अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे जाती है, स्पर्श रेखा से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, छेदक रेखा क्या होती है उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी तरीके का बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। जीवा क्या है, व्यास क्या है, व्यास तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन जीवा के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में, छेदक रेखा के बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? कन्फर्म बताइए, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छेदक रेखा, सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आ गया क्या चीज़? छेदक रेखा, ठीक है, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा पर सवाल क्या बन सकता है, जरा उसके बारे में देखें। यह वृत्त है, वृत्त के अंदर कितनी छेदक रेखाएं जा सकती हैं? अगर ये आपसे कोई पूछता है तो उसका जवाब होगा असीमित यानी अनलिमिटेड, अनगिनत छेदक रेखाएं वृत्त के अंदर जा सकती हैं। ऐसे भी जा सकती, छेद के, देखिए यह रेखा जा रही है, ऐसे छेदते हुए जा रही है ना, तो ये रेखा इस वृत्त को छेद करके बाहर निकल गई। तो जरूरी थोड़ी है कि ये एक ही रेखा इसको छेद के जा सकती है, एक इसके नीचे भी ऐसे आप जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तमाम जा सकती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से फिर ऐसे जा सकती हैं, इधर से जा सकती हैं। मतलब क्या हुआ, एक वृत्त के अंदर अनलिमिटेड यानी असीमित अनेक छेदक रेखाएं जा सकती हैं। इसका जवाब ये हुआ, अगर बहुविकल्पी प्रश्न बनता है छेदक रेखा को लेकर के, तो क्या बनेगा कि एक वृत्त के अंदर कितनी छेदक रेखाएं जा सकती हैं? ऑप्शन वन एक, ऑप्शन दो, मतलब ऑप्शन ए एक, बी दो, सी तीन और डी अनेक। तो आप क्या जवाब दोगे? अनेक वाला दे देना, ठीक है। अच्छा, अब छेदक रेखा क्लियर हो गया। छेदक रेखा की कोई परिभाषा पूछे तो बता देना ऐसे कि वृत्त के अंदर अंदर जाने वाली वह रेखा जो वृत्त को किसी भी दो बिंदुओं पर छेद करके जाती हो, उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। क्लियर? फिर से सुनिए, वृत्त के अंदर अंदर जाने वाली वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद कर जाती है, उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। अब छेदक रेखा में छेद शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि उसी से उसकी अर्थ की पूर्ति होगी। दूसरा नंबर, स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। बात को समझना चला कि वृत्त से जाने वाली वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श कर चली जाती है, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त के परिधि से होकर जाने वाली वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ स्पर्श करके चली जाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। तो क्लियर है बच्चों? मैं स्पर्श रेखा का फिगर आपको दिखा देता हूँ। वृत्त के परिधि से जाने वाली वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके चली जाती है, स्पर्श करके चले जाने का मतलब हुआ छू कर चली जाती है, ठीक है। क्या हुआ? छू कर चली जाती है, ऐसे देखिए, सिर्फ छुएगी और चली जाएगी। अब ये जो रेखा जा रही है ना, इस वृत्त को केवल छू रही है, टच कर रही है, न अंदर जा रही है न बाहर जा रही है, बस इसके बगल में से सट के चली जा रही है, और इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। समझ गए भाई? अब कोई बच्चा बच्ची आपसे सवाल कर दे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं, तो इसका जवाब होगा अनेक। क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो स्पर्श रेखा जा सकती है, ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे भी तो जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनेक। इसका जवाब क्या होगा? अनेक। मान लो बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऑप्शन चार को दिया रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा एक, दूसरा ऑप्शन तीन, तीसरा ऑप्शन चार और चौथा ऑप्शन अनेक। तो आप क्या आंसर दोगे? अनेक वाला भाई, अनेक वाला। चलिए, अब आप समझदार हो गए, समझ गए।
अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, इसमें एक सवाल और बन सकता है कि वृत्त से कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान देना, क्या समांतर स्पर्श रेखा, मेरी बात पर गौर करना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समांतर क्या? समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है, आई बात समझ में? तो वृत्त के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी मिला करके कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच जा सकती है? सिर्फ दो। इसका जवाब क्या है? सिर्फ दो। देखो, समांतर का मतलब होता है कि एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी ऐसे ही जाए, ठीक है, या इधर मुंह हो जाए। हमेशा इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपस में क्या रहे? बराबर रहे, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो वृत्त पर सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर सिर्फ स्पर्श रेखा पूछेगा तो अनेक बताना है, और समांतर स्पर्श रेखा पूछेगा तो दो बताना है। क्लियर क्लियर क्लियर। आपको फंसाने के लिए, आपको उलझाने के लिए आपके परीक्षा में आ जाएगा, या आपसे कोई दूसरा टीचर या दूसरा स्टूडेंट पूछ सकता है कि भाई बता, वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो तुम अगर अनेक रटे रहोगे तो धड़ाक से मुंह से निकल जाएगा, कहोगे अनेक। अनेक नहीं, चेला सुनना है पहले पूछने वाले का सवाल, तब जाके देना है जवाब। अगर वो कहता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो जब सिर्फ स्पर्श रेखा कहेगा तो बोल देना अनेक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और अगर बोलता है वो कि वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बता देना सिर्फ दो। बता दोगे? क्लियर। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से छेदक में भी पूछ सकता है कि एक वृत्त के अंदर कितनी समांतर छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनेकों समांतर छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अंदर अंदर ऐसे 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 तमाम अनेक, उसमें क्या होगा? अनेक समांतर छेदक रेखा, समझ गए? और इसमें सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखा। बात मेरी गांठ में बांध लेना, नहीं तो फंस जाओगे चिला। क्लियर। अच्छा, अब अगला टॉपिक देखो। जीवा के बारे में देखो, जीवा क्या होता है? वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। समझ गए मेरी बात? और अगर नहीं समझे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तो अभी समझाने वाला हूँ। तुम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि समझ में न आए। वृत्त की परिधि पर, देखो ये परिधि है ना, परिधि पर कहीं भी दो को बिंदु ले लो। मान लो यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। अब वृत्त की परिधि पर दो बिंदु यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। अगर यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये भी रेखा जीवा कहलाएगी। यानी अगर नाम दे दें तो रेखा ए बी भी जीवा है और रेखा बी सी भी जीवा है। अगर यहाँ से यहाँ मिला दें ऐसे, तो रेखा ए सी भी क्या है? जीवा है। बात को समझे? तो जीवा की परिभाषा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। समझ गए? तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, इधर खींच दो ये भी जीवा, इधर खींच दो ये भी जीवा, सबके सब जीवा। और वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनेक। वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? अनेक। याद रहेगा, ये भी अनेक,
वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, ये भी अनेक। वृत्त पर कितनी छेदक रेखा, ये भी अनेक। लेकिन 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 अगर ई पूछ देगा वृत्त पर कितनी समांतर जीवा, अनेक। वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो सिर्फ दो। वृत्त पर कितनी छेदक रेखा, तो अनेक। ठीक है, समांतर छेदक रेखा, इसमें हर चीज़ अनेक है, इसमें भी हर चीज़ अनेक है, लेकिन इसमें हर चीज़ अनेक नहीं है। जब कह देगा समांतर, तो सिर्फ आंसर आएगा दो, बाकी पूछेगा जीवा कितनी अनेक, स्पर्श रेखा कितनी अनेक, क्षेत्र रेखा अनेक, समांतर क्षेत्र रेखा अनेक, समांतर जीवा अनेक, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा सिर्फ दो। यह एक्सीडेंट वाली बात है, याद रहेगा बच्चा टेंथ वाले, बताओ याद रहेगा तीनों टॉपिक? तो मैं आपको धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक करके बता रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना के बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ी वीडियो बना के आपको बता देंगे। बस आज इतना ही, थैंक यू।